हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जो ग्रंथों में शास्त्रों में बताया गया कि कर्म ही प्रधान होता है, तो क्या इसको साइंस भी प्रूव करता है कि नहीं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, जो आपके द्वारा भी हो चुकी होगी शायद। तो आपने कभी ना कभी रेलवे लाइन के क्रॉसिंग को क्रॉस तो जरूर ही किया होगा। तो आपने जरूर ही देखा होगा कई लोग ऐसे जब रेलवे लाइन का फाटक बंद होता है तभी भी नीचे से जाकर क्रॉस कर देते हैं। अगर नीचे से क्रॉस करने पर हमारे दिमाग में एक हैबिट बन जाती है, जैसे कोई भी काम हम करते हैं एक थोड़ा सा भी हैबिट जरूर बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमने जो रेलवे लाइन की फाटक को क्रॉस किया थोड़ी सा पहली बार में, हम सतर्कता वहाँ पर दिखाएंगे, सेकेंड टाइम क्या होगा, हम पहले से कम सतर्क होंगे। इसी तरह से अगर हजारों बार आपने फाटक को क्रॉस किया तो आपके हजारवें बार में उसके लिए सतर्कता कम हो जाएंगे और आप बिना ट्रेन को देखे हुए भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा करने पर कभी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ट्रेन आकर कुचल कर चली जाए और आपकी मौत वहाँ पर हो जाए। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा दिमाग है ऐसे कुछ बना है कि जैसे हम कोई भी काम को करते जाते हैं तो पहले दिन हमारा उसके लिए इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, सेकेंड टाइम उसके लिए कम होगा, फिर करते करते लास्ट में उसके लिए इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा। और धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने का मतलब हमारी वहाँ पर सतर्कता कम हो जाती है और जिस कारण ये हादसाएँ हो जाती है। आपने इस वीडियो के द्वारा ये तो समझ लिया होगा कि हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारी हैबिट अच्छी हो और जो भी हम काम करें कि उसका फल भी हमें अच्छा मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।